हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं रंजू के वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, चलते हैं उड़द के दाल का दही बल्ले बनाने। इसको धुल के 6 घंटा के लिए भिगो दी हूँ। अब इसको चल रहे हैं छानने। ये दाल मेरा अच्छे से धुला गया है और पानी इसका छान ली हूँ। अब इसको पीसना है। तो देखिए, मेरा धोई पिसा गया। और अब इसमें डालने के लिए ये अदरक एक छोटी आधे इंच का, 4-5 हरी मिर्च, 4-5 कली लहसुन और जीरा इसमें पिसा के पड़ेगा। तो चलते हैं इसको पीसने। तो देखिए, मसाला भी मेरा तैयार हो गया इसमें डालने के लिए। अब इसको इसमें डालते हैं और थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। और धीरे 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 इसको इस तरह के मिलाते हैं, ऐसे करते हैं। तो 2 मिनट इसको फेंटने के बाद मेरा इस तरह बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें डालते हैं हींग और इसमें थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। हींग से बहुत सारे फायदे भी हैं और फ्लेवर भी इसका अच्छा आता है। तो इसमें हींग भी डाल देते हैं, उड़द का दाल है, और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ढक देते हैं। तब तक के लिए मैं मसाला तैयार करने चल रही हूँ। और इमली है, इसको भिगा के रख दे रही हूँ धो के। थोड़ी देर के बाद इसको चटनी बनाना है। तो देखिए, मेरी इमली की चटनी है। इमली को मसल के इसको बना दिए। अब इसका जूस इसमें निकाल लेंगे, रस इसका। तो इमली का रस निकाल दिए, बीज निकाल दिए, अलग कर दिए और इसमें थोड़ा सा गुड़ घुल दे रहे हैं, थोड़ा सा खट्टा मीठा और थोड़ा सा नमक, नमकीन। इसको बढ़िया से घुल दे रहे हैं। देखिए, इधर मेरा कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है और इधर मेरा बैटर तैयार है। जब तक के लिए तेल गरम हो रहा है तब तक के लिए मैं चल, ये देखिए पैकेट वाला दही आधा किलो का। ये दूसरा पैकेट दही है, 1 किलो दही हो गया है। 1 किलो दही में 100 ग्राम चीनी है, इसको डालते हैं। 1 चम्मच नमक है, इसको डालते हैं। और ये आधा कप पानी डालते हैं और इसमें दही गलने तक फेंट। तो दही मेरा अच्छे से छिटा गया। अब इसको बंद करते हैं। अभी चीनी अच्छे से प्रॉपर गली नहीं है, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं। तब तक चीनी भी गल जाएगी और दही भी परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो तेल मेरा गरम हो गया। अब इसमें चल रहा है दही भल्ले बनाने। बैटर भी मेरा सेट हो गया अच्छे से। स्वादिष्ट दही भल्ले बनाइए। इतना अच्छा मेरा दही भल्ले बॉल की तरह फुला फुला और गोल्डन कलर के हो गया। अब इसको निकालते हैं। और इसमें ना बेकिंग पड़ा है, ना खाने वाला सोडा पड़ा है। बस बढ़िया से इसको फेंट के 5 मिनट सेट होने के लिए रखा गया है। देखिए, एक बर्तन में पानी है जिसमें भल्ले डाल दे रही हूँ। तो भल्ले को डालने के बाद इसका तेल जो है वो अच्छे से निकल जाएगा। और थोड़ा सा नरम हो जाएगा। इसको हाथ से दबा के धीरे धीरे इसका पानी निकाल देना है। देखिए इस तरह। अगर आप तेल निकाल के खाना चाह रहे हैं तो इस तरह निकाल दीजिए।
और नहीं तो ऐसे कुरकुरे आप खाना चाह रहे हैं तो कुरकुरे। देखिए मसाला के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, थोड़ा 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच सौंफ है और 5-6 लाल मिर्च है, काली गोल मिर्च है। अब इसको गरम करते हैं, इसको तवे पे गरम कर लेना है। मैं थोड़ा सा अजवाइन है इसको भी गरम कर लेते हैं। मसाला के मटेरियल गरम हो चुका है, अब इसको पीसना है, बारीक पीस लेना है। और इसी में 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर गरम कर लेना है। चम्मच हींग है, इसको भी गरम कर लेना है। ये मेरा मसाला पीस के तैयार हो गया, लाल मिर्च और गोल मिर्च और जीरा सौंफ पिसा गया। ये पुदीना का पत्ता है सूखा हुआ, इसको सूखा के रखी थी, इसको क्रश करके डाली हूँ। ये चाट मसाला 1 चम्मच, ये छोटा स्पून 1 चम्मच काला नमक है और इसमें हल्दी और हींग है। तो इस सब मसाले को मैं मिक्स करती हूँ। और चुटकी भर काला नमक दही में डाल देते हैं। इसको एकदम दही मेरा सेट हो गया, चीनी गल चुका अच्छे से। तो ये मेरा जो पानी से छान के निकाली हूँ वो दही भल्ले, तो ये मेरा भिगाया हुआ दही भल्ले है। और एक दूसरा मैं तैयार कर रही हूँ, ये जो सूखा सूखा है इसको, तो इसमें ऐसे मसाला डाल दिए। इमली की खट्टी मीठी चटनी है ये, सूखा वाला है। तो आपको जैसे भी पसंद आए सूखा और भिगाया हुआ, आप तेल निकालने वाला जो है उसको सिस्टम उस तरह बना सकते हैं। दोनों तरह मैं शेयर कर दी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर।